नमस्कार, सुप्रभात, जोहार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे सिमडेगा समाचार चैनल में। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं हमारे YouTube चैनल के वीडियो से। उम्मीद है लॉकडाउन के सभी नियमों को पालन कर रहे हैं। आज से सरकार ने कुछ चीज़ों को फिर से बंद कर दिया है, कृपया उन नियमों को पालन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। सिमडेगा जिले में पुलिस देसी शराब बनाने वालों पर सख्ती से अब कार्रवाई कर रही है। लगातार छापेमारी अभियान चलाते हुए सिमडेगा जिला के सभी प्रखंड स्तर पर पुलिस जमकर तोड़फोड़ कर रही है। आपको बता दें, लॉकडाउन को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट दिख रही है। वहीं सिमडेगा पुलिस प्रशासन अब एक मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार वाले पर कड़ी से कार्रवाई करना शुरू कर दी है। जिला नियंत्रण कार्यालय कक्ष के समीप थाना प्रभारी रविंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सख्ती से मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया। दो सवार लोगों को फटकार लगाते हुए उनकी गाड़ी को जब्त किया गया। बाद में दो घंटे तक उन्हें खूब समझाया, उसके बाद भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं परिवहन पदाधिकारी श्री कुंवर सिंह पहन के नेतृत्व में झूलन सिंह चौक में सघन वाहन जाँच चलाते हुए बिना हेलमेट एवं बिना कारण से निकलने वाले एवं दो पहिया वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई करते हुए करीब दर्जनों से अधिक मोटरसाइकिल चालकों के बीच जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया, भविष्य में ऐसी गलती ना करें तो आगे जब्त की जाएगी। वहीं उपायुक्त सिमडेगा ने अपने कार्यालय के कक्ष से निकलते हुए सीधे तौर पर पैदल ही रणवीर अर्बाटिका स्टेडियम पहुंचकर वहां पर लगाए जा रहे साप्ताहिक बाजार की जानकारी ली। धूप को देखते हुए उन्होंने किसानों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए तथा ईओ को भी छांव की व्यवस्था कराने की दिशा निर्देश देकर आगे बढ़े। वहीं नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा कुल्लू ने भी कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हो रहे सर्वे कार्य में सहभागिता दिखाते हुए अपने परिवार के पूरे सदस्यों का सर्वे कराया। उन्होंने कहा, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सर्वे में सभी लोग सही सही जानकारी दें ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम में मददगार मिल सके। लगातार कुरडेग प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा अनावश्यक घूमने वाले मनचलों के ऊपर सख्ती से पेश आते हुए दिख रहे हैं। कुरडेग के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उनके द्वारा देसी शराब से सहित जागरूकता एवं हर प्रकार के संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि क्षेत्र शांति बनी रहे और कोरोना वायरस न फैल पाए। वहीं उपायुक्त ने जलडेगा के प्रभारी प्रधानाचार्य पैतानों के वित्तीय गबन के मामले में उसको निलंबन करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि 2005 और 6 के बीच की राशि को उन्होंने गबन किया था, बाद में निर्माण कार्य नहीं कराया था। इसी के अलावा उपायुक्त ने ई मुलाकात के माध्यम से जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों से सीधे बात करते हुए कहा, जिला में सख्ती से लॉकडाउन के नियमों को पालन कराएं। लगातार राज्य में बढ़ रही मरीजों की संख्या से चिंताजनक विषय है। ऐसे में सिमडेगा जिला के सभी बॉर्डरों को सख्ती से सील करें एवं एक मोटरसाइकिल पर दो लोग ना सवार हो इसका विशेष से पालन कराएं। वहीं जलडेगा के सड़क हादसे में हुए बांसजोर के प्रधानमंत्री ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के शव को गुमला भेजा गया। इस मौके पर सभी प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने मौजूद रहकर श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को सहायता राशि दी तथा उपायुक्त सिमडेगा ने भी भविष्य में आगे हर संभव मदद करने की बात कही। इसके अलावा उपायुक्त ने सिमडेगा समाहरणालय के सभी कार्यालयों में घूम कर विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली तथा सोशल डिस्टेंस तथा सामाजिक दूरी बनाने से संबंधित सब प्रकार की बातों को जानकारी देते हुए कहा कि हमें कोरोना वायरस की रोकथाम में सभी सरकारी कर्मचारी को भी इस पर पहल करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस सेवा दल के महासचिव प्रदीप केसरी के नेतृत्व में ठेठेटांगर प्रखंड के 3 पंचायतों का दौरा करते हुए वहाँ पर मिलने वाली ग्रामीणों की सुविधाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने बताया, पाइकपारा, कोनमेरला सहित कई जगहों पर घूम कर लोगों को सरकार के नियमों को पालन करने की जानकारी दी। वहीं बाल संस्कार केंद्र बड़ा बरपानी में भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सलडेगा के प्रधानाचार्य राजेंद्र साहू के नेतृत्व में गरीब असहाय लोगों के बीच में सूखा राशन का वितरण किया। उन्होंने बताया, यह वैसे लोगों को दिया गया जिसका राशन कार्ड नहीं है और जिनके परिजन प्रदेश में फंसे हुए हैं। हमारा काम है लोगों की सेवा करना और आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। वहीं धर्मगुरु एवं समाजसेवी अंडिल कनुल्ला के द्वारा लगातार ठेठांगर सुदूरवर्ती क्षेत्र में घूम कर गरीब असहाय लोगों के बीच में सूखा राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा
संकट के दौर में समाजसेवियों का आगे आना बहुत ही बड़ा काम है ताकि गरीबों को मदद मिल सके। वहीं पकडांड पुलिस के द्वारा सिकरिया डांड के महुआ टोली आसपास के गांव में घूम घूम कर लोगों को भरपेट भोजन खिलाने का काम किया जा रहा है। एएसआई अजय कुमार राय ने बताया कि लगातार प्रत्येक दिन भोजन बनाने के बाद ऑटो में डालकर लोगों के बीच में दी जा रही है ताकि लोगों को इससे सुविधा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा प्रयास है जब तक लॉकडाउन रहेगा इसी प्रकार भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। वहीं कोलेबीरा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह सीओ एवं जिला के दंडाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक बार फिर से कोलेबीरा नवा टोली की राशन दुकान को जांच करते हुए गड़बड़ी पाया। उन्होंने बताया कि करीब 116 से अधिक लाभुकों ने शिकायत किया है कि राशन कम दी जा रही है। उन्होंने कहा इस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आज इतना ही, धन्यवाद।